हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल करंट अफेयर अपडेटेड। दिस इज देवाशीष अवस्थी। आज मैं अपनी टू मिनट सीरीज में एक इंपॉर्टेंट टॉपिक लेके आया हूं, दैट इज द रेलवे जोन्स इन इंडिया। ओके, ये जोन्स याद करना बहुत जरूरी है। एग्जाम में आपको जरूर एक क्वेश्चन जरूर मिलता है रेलवे जोन्स में। अब आप कहेंगे सर कितने रेलवे जोन्स है? 17 रेलवे जोन्स है। उनके हेडक्वार्टर्स जो है वो आपको याद करना पड़ेगा, एग्जाम में क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और ट्रिक बताता हूं मैं किस तरह याद करेंगे। देखिए, सबसे पहले रेलवे जोन्स की अगर मैं बात करूं, मैंने बताया आपको 17 रेलवे जोन्स है। सबसे पहले मैं आपको 5 रेलवे जोन्स याद कराता हूं उनके हेडक्वार्टर के साथ, ठीक है? तो देखिए, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट और सेंट्रल रेलवे जोन हम पहले डिस्कस करते हैं। सबसे नॉर्थ में हमने फेमस अगर सिटी की बात करूं तो आपके दिमाग में दिल्ली आता होगा, ठीक है? सदर्न साइड की अगर बात करूं तो आंसर आपके में चेन्नई आता होगा। ईस्टर्न की बात करूं तो कोलकाता आता होगा और अगर वेस्टर्न की बात करूं तो मुंबई आता होगा। ओके, तो ये नॉर्दर्न का हेडक्वार्टर है दिल्ली, सदर्न का है चेन्नई, ईस्टर्न का है कोलकाता और वेस्टर्न का है मुंबई, ठीक है? ये 4 हेडक्वार्टर आपको सीधे याद कर लेना। फिर अगर सेंट्रल का आपसे पूछा जाए, सेंट्रल रेलवे जोन का हेडक्वार्टर क्या, तो सेंट्रल का भी आंसर मुंबई ही है, रिमेंबर। तो आपको ये याद रखना, कंफ्यूज नहीं होना है कि सेंट्रल का भी मुंबई, तो ये मत सोचिए कि मध्य प्रदेश का कोई हेडक्वार्टर होगा, मध्य प्रदेश की कोई सिटी होगी जो हेडक्वार्टर होगी, नहीं, मुंबई है। तो 5 आपको याद हो गए होंगे, आई होप, सेंट्रल, वेस्ट, ईस्टर्न, नॉर्दर्न, सदर्न और वेस्टर्न। ओके, तो बिल्कुल याद रखना है नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट और सेंट्रल का, ठीक है? और सेंट्रल और वेस्टर्न की अगर बात करें तो उसका आंसर दोनों का मुंबई है। तो ये 5 हेडक्वार्टर तो आपको याद कर लेने रेलवे जोन के। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट रेलवे जोन की बात करता हूं। अगले मैं आपको 4 और याद कराने वाला हूं। अब 4 कौन से याद कराऊंगा वो मैं आपको बताता हूं। देखिए, मुंबई ही मैंने याद कर दिया, सेंट्रल में है और वेस्टर्न में भी मुंबई है। अब आप देखेंगे, हम जाएंगे नॉर्थ ईस्टर्न, ठीक है, मतलब इस लाइन पे जाएंगे, फिर जाएंगे हम नॉर्थ वेस्टर्न, ठीक है, फिर उसके बाद मैं जाऊंगा साउथ ईस्टर्न, मतलब इस साइड लाइन में, और साउथ वेस्टर्न, ओके, इस साइड में। तो अब ये 4 हेडक्वार्टर हम याद करेंगे, ठीक है? तो सबसे पहले अगर मैं नॉर्थ ईस्टर्न साइड अगर आपको बोलूं तो याद रखिए नॉर्थ ईस्टर्न में आपको आएगा गोरखपुर। गोरखपुर आप शायद आपने योगी जी के नाम से सुना होगा, जो कि यूपी में है। और अगर नॉर्थ साइड की अगर मैं वेस्टर्न साइड में जाऊं तो आंसर होगा जयपुर, राजस्थान, बहुत फेमस सिटी है। ओके, ठीक है, 2 हेडक्वार्टर ही हो गए। अब साउथ में अगर ईस्टर्न में आपको बोलूं तो याद रखिए साउथ का ईस्टर्न आपको याद रखना है, लोग यहां पर कंफ्यूज हो जाते हैं, आंसर है कोलकाता। ओके, अब आप कहेंगे सर कोलकाता है, बिल्कुल, देखिए साउथ ईस्टर्न का भी हेडक्वार्टर क्या है, दैट इज कोलकाता है। तो ये चीज आपको याद रखना है, यहां पर लोग कंफ्यूज होते हैं, ठीक है, कंफ्यूजिंग वाला पॉइंट भी बता रहा हूं मैं आपको, ठीक है। और साउथ अगर वेस्टर्न का बात करें तो हुबली, दैट इज कर्नाटका। ओके, कहां पर? हुबली, कर्नाटका में। तो देखिए ये आपको याद कर लेना है कि नॉर्थ ईस्टर्न मैंने अभी आपको बताया, नॉर्थ ईस्टर्न क्या होगा, गोरखपुर, नॉर्थ वेस्टर्न मैंने क्या बोला आपको, जयपुर, साउथ वेस्टर्न की अगर बात करूं तो आंसर हुबली, कर्नाटका, और साउथ ईस्टर्न ये लोग कंफ्यूज जाते हैं, वो आंसर होगा कोलकाता। तो कोलकाता देखिए 2 बार आ गया, मुंबई भी 2 बार आ गया, तो 2 बार मुंबई, 2 बार कोलकाता अभी तक चल रहा है, ये याद रखना है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट हेडक्वार्टर्स बताता हूं। अब हम चलेंगे, अब देखिए मैं आपको सेंट्रल पे रखूंगा, ठीक है, और सेंट्रल के नॉर्दर्न, सेंट्रल के ईस्टर्न, सेंट्रल के वेस्टर्न और सेंट्रल के सदर्न जाएंगे, मतलब 4 हेडक्वार्टर और याद करेंगे, ठीक है। तो सेंट्रल पे हम पहुंच गए, ठीक है, सेंट्रल के मैं ईस्टर्न वेस्टर्न जाता हूं, सेंट्रल के वेस्टर्न जाता हूं, वेस्टर्न जाता हूं तो मध्य प्रदेश का जबलपुर जो है, याद रखिएगा सेंट्रल वेस्टर्न जो आपका हेडक्वार्टर है वो जबलपुर है। अब सेंट्रल के अपन ईस्टर्न साइड जाएंगे तो हाजीपुर, याद रखिएगा बिहार में है हाजीपुर, वो है इसका हेडक्वार्टर, ठीक है। अब सेंट्रल के नॉर्दर्न में अगर मैं जाऊं तो आंसर होगा इलाहाबाद। इलाहाबाद आप यूपी में विजिट किया होगा, इसका नाम प्रयागराज हो गया है, ठीक है, और तो प्रयागराज आप लिख लीजिए, इलाहाबाद कीजिएगा प्रयागराज लिखिए, ओके। और सर्दन के अगर मैं जाऊंगा किधर, सॉरी सेंट्रल के सर्दन में अगर जाऊंगा तो आंसर सिकंदराबाद, और सिकंदराबाद कहां पर है, दैट इज एट तेलंगाना। तो ये 4 आपको और याद हो गए, ठीक है। तो याद रखिए कैसे मैं आपको बता रहा हूं, याद रखते आना कि सेंट्रल को अपन रख रहे हैं और फिर उसके अराउंड घूम रहे हैं। तो वेस्ट सेंट्रल की अगर बात करूं तो जबलपुर, ठीक है, मैंने अभी आपको बताया। ईस्ट में अगर जाना पड़ेगा तो हाजीपुर, दैट इज बिहार। अगर सेंट्रल के नॉर्दर्न में जाएंगे तो याद रखिए इलाहाबाद, और सदर्न सेंट्रल के सदर्न में जाएंगे तो सिकंदराबाद, दैट इज तेलंगाना। तो आप देख लो 5, 4, 9, 13 हमने याद कर लिए, ठीक है, हेडक्वार्टर। अब बचे 4 और, अब 4 अपन को याद करने, उसके वो आपको याद करना पड़ेगा डायरेक्टली, ठीक है। सबसे पहले देखिए मैं आपको बताया था अगले 4 कैसे याद करने, वो मैं आपको एक एक करके बताता हूं। सबसे पहले है साउथ ईस्टर्न सेंट्रल रेलवे, तो याद रखिएगा मतलब साउथ ईस्टर्न, साउथ ईस्टर्न में कोलकाता बताया था। अब साउथ ईस्टर्न और फिर सेंट्रल जाना है तो आप छत्तीसगढ़ पहुंच जाइए, छत्तीसगढ़ में जो हेडक्वार्टर, दैट इज बिलासपुर। ओके, तो ये याद हो गया आपको, ठीक है। नेक्स्ट, नेक्स्ट क्या है, ईस्ट कोस्ट रेलवे, ईस्ट कोस्ट, तो ये कोस्ट में है, तो कोस्ट में आप उड़ीसा गए होंगे, भुवनेश्वर वगैरह विजिट किया होगा, ऐसे याद करिए ईस्ट कोस्ट का आंसर क्या होगा, दैट इज भुवनेश्वर, ठीक है। तो ईस्ट कोस्ट का हमने याद कर लिया, दैट इज भुवनेश्वर, ठीक है। अगला है नॉर्थ ईस्टर्न, नॉर्थ ईस्टर्न की मैं बात करूं, नॉर्थ ईस्टर्न फ्रंटियर रेलवे, मतलब नॉर्थ ईस्टर्न, अगर इंडिया के नॉर्थ ईस्टर्न की बात करें तो असम दिमाग में आता होगा, यस, तो गुवाहाटी में मालेगांव जो है, याद रखिएगा ये मालेगांव गुवाहाटी में जो है, रिमेंबर, वो है आपका नॉर्थ ईस्टर्न का फ्रंटियर हेडक्वार्टर, ठीक है। और लास्ट जो है आप देख रहे होंगे कोलकाता मेट्रो, नाम से
चला कोलकाता, मतलब कोलकाता मेट्रो। आपने एक चीज नोटिस की होगी, कोलकाता मैंने तीन बार बता दिया, एक तो कोलकाता मेट्रो रेलवे कोलकाता, ठीक है, एक साउथ ईस्टर्न बताया था मैंने, उसका भी कोलकाता था, और फिर मैंने आपको क्या बताया था, दैट इज ईस्टर्न रेलवे का हेडक्वार्टर, वो भी कोलकाता था। तो कोलकाता एक लौता हेडक्वार्टर जो तीन बार आता है, याद रखिएगा। और मुंबई कितने बार आता है? दो बार, बाकी सब एक एक बार आते। तो ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कौन सा ऐसा हेडक्वार्टर है जो मैक्सिमम टाइम आता है? आंसर वुड बी कोलकाता, दैट इज थ्री टाइम्स। तो आपको 17 हेडक्वार्टर्स याद रखने हैं, ठीक है। अब एक पॉइंट और जाते आते मैं आपको बता दूं, अभी रेलवे मिनिस्टर कौन है, रेलवे की बात हो रहे हैं तो याद रखिएगा, अश्विनी वैष्णव जो है वो अभी रेलवे मिनिस्टर है, ये आपको याद रखना है। और एक और बात, रेलवे बोर्ड का भी रिसेंटली चेयरमैन सीईओ अपॉइंट हुए हैं, उनका नाम भी याद रखना है, दैट इज वीके त्रिपाठी। ये आपके करंट अफेयर्स में क्वेश्चन पूछा सकता है। और फर्स्ट रेलवे कब चली थी, सबको पता है, 1853, 16 अप्रैल 1853, बॉम्बे टू थाने 34 किलोमीटर पर चली थी, याद रखिएगा। और उस टाइम पर देश के जो गवर्नर जनरल थे उनका नाम था लॉर्ड डलहौजी। तो ये भी बड़ा फेमस क्वेश्चन रहा है मॉडर्न हिस्ट्री का। तो तीन पॉइंट्स आपको याद रखने हैं, ये आपके एग्जाम में पूछे आ सकते हैं, ओके। तो आई होप मैंने आपको रेलवे जोन्स के हेडक्वार्टर्स बता दिए। अब आपका ऐसा इसकी पीडीएफ चाहिए, तुरंत मेरे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करो, फ्री ऑफ कॉस्ट पीडीएफ मिल जाएगी। अगर आप मेरे कोर्सेज को डिटेल्स में चाहते हो, याद रखिएगा, तो आप मेरे एप्लीकेशन को डाउनलोड करो। एप्लीकेशन में आपको मेरे कोर्सेज मिलेंगे, करंट अफेयर से लेकर एवरीथिंग हमने करा रखा वहां पर। 95% लेक्चर्स मेरे खुद के हैं, रिमेंबर, ठीक है। आप चाहे तो कोर्सेज को ज्वाइन कर सकते हैं, एक बार एप्लीकेशन को विजिट करो। अभी रिसेंट हमने कोर्स ज्वाइन किया, लॉन्च किया, दैट इज यूपीएससी का, क्लासेस हैं, याद रखिए, एप्लीकेशन का नाम है देवशीष क्लासेस, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप वहां जाकर कोर्सेज को ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आप सिर्फ नोट्स चाहते हैं, आप घर ऑर्डर करना चाहते हैं, हैंड रिटन नोट्स हम प्रोवाइड करते हैं, तो एक बार लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, सैंपल जरूर चेक कर लो, हो सकता है आपके एग्जाम में नोट्स बहुत हेल्प कर जाए, आपको नोट्स पसंद आ जाए, तो एक बार नोट्स का जरूर सैंपल चेक करो, ओके। तो यहाँ पर वीडियो कंप्लीट होता है, आई होप वीडियो आपको समझ में आया होगा, बहुत शॉर्ट टाइम में हम जल्दी से आपको हेडक्वार्टर बता दिए। वीडियो पसंद आया, वीडियो को लाइक जरूर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, और कोई अगला टॉपिक इस टॉपिक पर चाहते हो, आपके दिमाग में होगा कोई टॉपिक, आप चाह रहे हो वो टॉपिक से जल्दी से आप बता दीजिए, तो जल्दी से कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दो, आपके कमेंट पढ़ के अगला वीडियो जरूर बनाएंगे। और वीडियो को हो सके तो मैक्सिमम शेयर जरूर कर देना। Thank you.